नमस्कार दोस्तों, आज बनाते हैं कश्मीरी पनीर मसाला, और जिसको हम कश्मीरी पनीर रोगन जोश भी कहते हैं। कश्मीरी वाजवान, कश्मीरी जो पाक कला है उसका सबसे इम्पोर्टेंट ये डिश है, तो इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमने 1/2 kg पनीर लिया है और उसको इवनली काटना है और बॉयल करना है। हल्दी और थोड़ा सा नमक डालकर पैन में पानी लेंगे, उसमें 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक और हमने जो इवनली कट किया है इसको डाल के उबालेंगे, और तब तक हम 3 प्याज को अच्छी तरह फाइनली चॉप कर लेंगे। जब तक हमारी ये पनीर बॉयल हो रहा है इसको एक तरफ बॉयल होने देंगे जब तक एकदम मॉइस्ट ना हो जाए पनीर। दूसरी तरफ हम पैन में ऑयल लेंगे और जो प्याज हमने स्लाइस करे थे उनको हमने इस पैन में डाल देना है, जिससे कि ये प्याज गोल्डन ब्राउन, क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन फ्राई हो जाए, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है इस डिश को बनाने का। जब तक ये हमारा प्याज हो रहा है फ्राई, हम अपने जो उबले हुए पनीर है उसको निकाल लेंगे और उसको शैलो फ्राई करने के लिए, क्रिस्पी गोल्डन फ्राई करने के लिए पैन में करेंगे। जब तक हमारा ये प्याज गोल्डन ब्राउन बरिस्ता इसका तैयार हो रहा है, तो हम ग्रेवी तैयार करने के लिए 4 टमाटर उबालने के लिए बाउल में रख देंगे, और इसे तब तक उबालना है जब ये अपनी स्किन छोड़ देगा तब हम इसे निकाल लेंगे। तो बाउल में हमारा टोमेटो हो रहा है और प्याज भी लगभग बरिस्ता बनकर तैयार है, तो अब हम टमाटर को निकाल कर इसकी प्यूरी बनाएंगे। और जब तक ये इसको हम अलग करेंगे, तो पैन में हम जो ऑयल लेंगे, जो हमने बरिस्ता का ऑयल बचा के रखा था, उसी में हम इवनली गोल्डन क्रिस्पी फ्राई करेंगे अपने पनीर को जो हमने बॉयल करके रखा हुआ था, और एकदम क्रिस्पी लेयर जब तक इस पर ना चढ़ जाए तब तक इसको हमें निकालना नहीं है। देखिए दोस्तों क्या इसकी लेयर चढ़ी है, एकदम गोल्डन ब्राउन, क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन, एकदम ये पनीर सूख चुका है, पनीर का पानी पूरा सूख चुका है। तो इसे अब बाहर निकालेंगे और अब हम ग्रेवी तैयार करेंगे। तो हमने 1 लीटर पानी में 2 चम्मच ऑयल, तेजपत्ता, हल्दी, 1 बड़ी इलायची और कुछ साबुत मसाले डालकर अब इसकी हमें यखनी तैयार करनी है, और ये पानी अच्छी तरीके से जब बॉयल हो जाएगा तब आप इसमें अपना पनीर डालेंगे। और जब तक हमारी ये यखनी तैयार हो रही है, तो हम जो पनीर हमने अभी निकाला था गोल्डन क्रिस्पी फ्राई, इसको हम 1 के 2 हिस्से कर लेंगे, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल इसी तरीके से इसके क्रिस्पी गोल्ड कट लगाने हैं इसमें, और इसको साइड में रख देना है। तब तक हमारी यखनी पककर तैयार हो रही है, देखिए यखनी में रंग आने लगा है। अब हम अपने पनीर के टुकड़ों को इसमें डालेंगे और ये एक तरफ पकता रहेगा और ये पनीर पूरा पानी सोख लेगा यखनी का। तब तक हम अपनी ग्रेवी तैयार करते हैं जिससे इसको लाल कलर, रेड कलर मिलेगा। तो पैन में ऑयल लेने के बाद हमने उसमें 1 से 1.5 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, और जो हमने टमाटो प्यूरी तैयार की थी वो डाल दी है। 2 चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर बिल्कुल भी तीखा नहीं होता। और उसके बाद डाला हमने इसमें 1 चम्मच सौंफ का पाउडर और 1 चम्मच अदरक का पाउडर, गार्लिक पाउडर। अब इसको अच्छी तरीके से मिला लेना है, और जब ये अच्छी तरीके से पक जाएगा तो हम इसमें 2 चम्मच अपना जो बरिस्ता किया हुआ प्याज था उसके 2 चम्मच डालेंगे, और जब ये अच्छी तरीके से पक जाएगा तो हमें इसे यखनी में डालना है और अच्छी तरीके से मिक्स करना है। ये देखिए अब इसमें एकदम बिल्कुल लाल कलर आ जाएगा, लाल कश्मीरी पनीर, ये बिल्कुल डिश अब बनकर तैयार हो जाएगी। इसे 5 से 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाना है, और आपका रोगन जोश बनकर तैयार है, कश्मीरी पनीर मसाला बनकर तैयार है। इसको आप घर पर बना सकते हैं, बहुत यूनिक रेसिपी है। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।